सो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं यहाँ जो लोकल से मैं मिला हूँ। बट ओवरऑल हर जगह हर तरह के बंदे होते हैं, मैं कुछ को मिलके जज नहीं कर सकता कि ये किले का एंट्रेंस है और ये जब कभी बंद करते होते थे ये ब्रिज बना है इसको उठा देते थे और ये कभी कभी चीट डे भी होना चाहिए। तो आज इसको एंजॉय करता हूँ चीट डे के दिन। कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये लियोनी मेसी का घर बन रहा है। लियोनी मेसी जो अर्जेंटीना के, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी बट मैं बना गया, मगर जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने बंद कर दिया, खुद ही बंद कर दिया, कोई बोले उससे पहले ही कर दो। तो पता नहीं था कि वीडियो उस मूवी देखी है, उस स्टार वॉर्स मूवी के अगर फ़ैन हो आप लोग सो ये एरिया है जहाँ स्टार वॉर्स की मूवीज़ की शूटिंग हुई है। थ्रोन, स्टार वॉर्स, ये सब मूवीज़ का ये ऑफिशियल स्टोर है, ऑफिशियल HBO लाइसेंस मर्चेंडाइज सोल्ड हियर। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। नमस्कार दोस्तों, मनोज वहाँ एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू दुब्रोनी क्रोएशिया। स्वागत दोस्तों, हम लोग दुब्रोनी क्रोएशिया में हैं और आज हम ओल्ड टाउन के, दुब्रोनी के ओल्ड टाउन में हैं और ये बहुत ही फेमस और हिस्टोरिक टाउन है। मैंने दुब्रोनी की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं पहले की, जो कि मैं दूसरे न्यू टाउन से बनाता था। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक आध वीडियो का आप देख लीजिएगा। और अभी हम हैं ओल्ड टाउन पे, तो अगर आपने स्टार वॉर्स मूवी देखी है, उस स्टार वॉर्स मूवी के अगर फ़ैन हो आप लोग ये एरिया है जहाँ स्टार वॉर्स की मूवीज़ की शूटिंग हुई है सारी। देखिए ये सारा एरिया, अगर आपने वो मूवी, मैंने तो नहीं देखी बट मेरे को यहाँ एजेंट ने और उन सब ने बताया कि ये जहाँ स्टार वॉर्स की मूवी की शूटिंग्स हुई है और जहाँ भी सारे सीन्स फिल्माए गए हैं ये है। ये देखिए ये सारा है, ये चर्च है इधर। सारे रेस्टोरेंट और ये सब, ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये सारे रेस्टोरेंट्स एंड ऑल स्टफ हैं। चेयर, एक साइड रेस्टोरेंट है, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये हद का महंगा है। और ये देखिए इधर जो फ्लोर है वो भी टाइल्स का है और इतने स्लिपरी है, कुछ कहने के लिए आज से कम भी नहीं तो 300-400 साल पहले का पड़ा हुआ है, बट इतना स्लिपरी है और इतना अच्छा लग रहा है कुछ कहने की बात नहीं। शाइन कर रहा है, धूप पड़ रही है जैसे, तो शाइन कर रहा है पूरा। अभी इधर गलियां गुलियां हैं, उधर भी जाता हूँ, पहले आपको पूरा ये टाउन दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए यहाँ ऐसे छोटी छोटी गलियां जहाँ पे पूरा स्टार वॉर्स की शूटिंग है नॉवल दैट हुआ था। बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह, बहुत ब्यूटीफुल है। दुब्रोनिक ऑलवेज मेरा फेवरेट ही रहा है, जब भी मैं आया हूँ मैं कभी बाहर जाने का मिस नहीं करता था, ये जगह मेरी क्वाइट फेवरेट है। दोस्तों एक चर्च है शायद, यहाँ चर्च में आया हूँ। ये देखिए बड़ा ही, अच्छा सा बनाया, देखिए कितना अच्छा, मतलब नक्काशी कितनी अच्छी है। तो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और माइंड ब्लोइंग व्यू लग रहा है इधर। पता नहीं कितना कब का बना हुआ है बट रियली बहुत अच्छा है। दोस्तों चर्च के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी बट मैं बना गया, मगर जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने बंद कर दिया, खुद ही बंद कर दिया, कोई बोले उससे पहले ही कर दो। तो पता नहीं था कि वीडियोग्राफी नहीं है। और ये देखिए गेम्स ऑफ थ्रोन, स्टार वॉर्स, ये सब मूवीज़ का ये ऑफिशियल स्टोर है, ऑफिशियल HBO लाइसेंस मर्चेंडाइज सोल्ड हियर। ये तो इन सब मूवीज़ की शूटिंग यहाँ हुई है, गेम ऑफ थ्रोन और गेम ऑफ थ्रोन 1-2 द, ये सब मतलब कि जितनी भी ऐसी एनिमेटेड मूवी हैं इसके लिए ये लोकेशन एकदम सही है। और आप देखिए किस तरह की सिटी है, तो कितना अच्छा, मतलब कि उनके लिए उनको सेट सूट नहीं बनाना पड़ता होगा।
बहुत बड़ा है ये बाजार, बहुत बड़ा देखिए। दोस्तों मैं गलियों के बीच से घूमना, जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ के, और बड़ा ही मस्त व्यू आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। से कहीं से भी बुलबुलिया की तरह गलियां, बट अच्छा लग रहा है ये घूमते फिरते हुए। ये देखिए दोस्तों, जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आया और वहाँ कैसा व्यू लग रहा है ऊपर से। भाई मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ भी कुछ अच्छा होगा देखने के लिए, तो उसको देखने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दीवार है, दीवार के साथ ये पूरा समुद्र, किले की दीवार, और ये देखिए पूरे ऊपर दीवार दिख रही है। वो दीवार यहाँ मतलब कि जब एंशियंट टाइम पे सिक्योरिटी या कुछ के लिए होती थी। देखिए ये बड़ा ही मस्त हिस्टोरिक टाउन है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, छोटी छोटी पोस्टें बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। ये ऊपर पूरे दीवार है और इसके अंदर जो भी राजा होगा उसका किला या जो भी कुछ कह लीजिए, ये लोग अपने जैसे कुछ बना बना के बेच रहे हैं। ये रेस्टोरेंट बड़े अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ कहने की बात नहीं। तो दोस्तों घूम घुमा के मैं फिर वहीं शायद आ गया हूँ नियर बाई में। ये देखिए जहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी, तो और अभी 6 बजे मेरी ड्यूटी भी है, तो 4 घंटे के लिए 10 बजे तक। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। तो ये स्टैचू दोस्तों 1893 का बना हुआ है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है कि ये सब सारा पता नहीं उस समय बनाने में कितने साल लगे होंगे। देखिए दोस्तों, बड़े दिनों के बाद आइसक्रीम खाई है, दिल तो नहीं कर रहा था, मगर कभी कभी चीट डे भी होना चाहिए, तो आज इसको एंजॉय करता हूँ चीट डे के दिन। तो दोस्तों ये जो घर बन रहा है, जो ये कंस्ट्रक्शन क्रेन दिख रही है और जो कटिंग वटिंग चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये लियोनी मेसी का घर बन रहा है। लियोनी मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है, उनका नया घर बन रहा है दुब्रोनिक में। तो दूसरे दिन में आपका स्वागत है, और आज भी मैं ड्यूटी पे हूँ बाहर, तो थोड़ा 1 घंटा जल्दी आ गया और वीडियो बनाने के लिए। और ये जो कल मैंने वीडियो शुरू की थी उसी को फॉलो अप है। तो कल मैंने आपको ओल्ड टाउन दिखाया था, अभी बाहर के साइड का एरिया देखते हैं कैसा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी बिल्डिंगें तो वैसी ही हैं, नई बिल्डिंगें बन रही, और अभी मैंने एक अगर आपके सामने वीडियो चल रही होगी, एक कंस्ट्रक्शन घर दिख रहा होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन घर लियोनी मेसी का है। मेसी जो अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है फुटबॉल के, उनका घर बन रहा है दुब्रोनिक में। और यहाँ पे काफ़ी फुटबॉल प्लेयर्स का, काफ़ी फुटबॉल प्लेयर्स के घर हैं। सो एक बार मैंने देखा था, एक बड़े फेमस फुटबॉल प्लेयर है विडोडो,
उनका भी घर था यहाँ पे वो दूसरे साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने घर बनाए हैं। यहाँ से आपको सही दिखेगा जब मतलब कि आप इधर से खड़े होके देखिए पूरी मरीना का व्यू आएगा इधर। ये कुछ कॉन्सर्ट होता होगा उसके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ओल्ड टाउन के किले से अभी बाहर आ गए हम, ये किले का एंट्रेंस है। और ये जब कभी बंद करते होते थे ये ब्रिज बना है, इसको उठा देते थे। और ये मतलब कि कितना स्ट्रांग ब्रिज है देखिए, कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल के जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ये एंट्रेंस है किले का, ये देखिए कितनी मोटी दीवार है, क्लोज टू इम्पॉसिबल किसी को ब्रिज करने के लिए। तो अभी हम आ गए हैं टाउन के पास। इस साइड भी बड़ा सा है बट मैं इधर जाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट। ये सारे मोस्ट ऑफ द एयरबीएनबी हैं यहाँ पे, वो लोगों ने देखो सीढ़ियों के ऊपर ही सीटिंग अरेंजमेंट बनाया। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की, देखिए वो केबल कार से ऊपर जाने के लिए टाइम, इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए आपके पास, अच्छा खुला टाइम। और 30-40 यूरो से तो कम की टिकट होगी नहीं, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपके पास एटलीस्ट टाइम होना चाहिए अच्छा खासा। और ये देखिए ये किले का एक साइड, यहाँ ये प्रोटेक्शन के लिए, आई थिंक यहाँ पर कोई अटैक करता है, इन्वेड करता है तो उसके लिए। सो किले की ये दीवार को चारों तरफ से देखने के लिए इसके 35 यूरो हैं एडल्ट्स के लिए, 15 यूरो बच्चों के लिए। आप इसके ऊपर जाएंगे और पूरा 360 डिग्री घूम के ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ी पे छोटे छोटे घर लगे हैं। और ये जो है केबल कार स्टेशन है इधर, फायर फाइटिंग स्टेशन यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आप इन यूरोपियन डेवलप कंट्रीज़ में चले जाइए, यहाँ पे कुछ हो ना हो फायर फाइटिंग स्टेशन बहुत है और बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल माना जाता है। सो बहुत क्रूशियल माना जाता है। और यूएस में तो ऐसा है कि आपका अगर फायर कैप्टन, फायर चीफ अगर आपका घर अप्रूव नहीं करेगा तो घर नहीं बन सकता, चाहे आप प्रेसिडेंट तक की परमिशन ले आओ नहीं बन सकता। सो ये है कि चीफ फायरमैन की बड़ी ही पावर है यूएस में, यूएस क्या हर जगह पे, क्योंकि लाइफ सेविंग उसमें आते हैं, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट रोल। तो दोस्तों अभी ये जो आप केबल कार देख रहे हो, इसकी वन वे की टिकट एडल्ट की $15 और टर्न अराउंड की है 27, तो 27 यूरो का टर्न अराउंड पड़ता है। ये देखिए यहाँ ये लोकल कम्युनिटी के घर हैं, मतलब लोकल लोगों के घर हैं इधर। और बड़ा ही ब्यूटीफुल और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्रोएशियन पीपल थोड़े एग्रेसिव हैं बट मोर और लेस, बट टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने जितनों के साथ काम किया है ना, बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ एंड रिस्पेक्टफुल हैं। बट वही है कि जो मतलब कि यहाँ मैं जैसे देखता हूँ, सो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं यहाँ जो लोकल से मैं मिला हूँ। बट ओवरऑल हर जगह हर तरह के बंदे होते हैं, मैं कुछ को मिल के जज नहीं कर सकता कि सारे ऐसे ही होंगे, बट ओवरऑल अच्छे बंदे हैं। सो ये देखिए लोगों ने ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा है, देखिए पूरा घर के यहाँ इन्होंने पत्ते ही पत्ते लगा के रखे हैं यहाँ भी। और आई थिंक ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और फिर चलता हूँ, मेरी ड्यूटी भी शुरू होने वाली है। देखिए कितना अच्छा, पार्किंग के लिए भी गाड़ी को पार्किंग के लिए भी कितना अच्छा है, पेड़ पूड़ लगा के रखे हैं ऊपर। सो यहाँ सीढ़ियाँ, आई थिंक मैं यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता हूँ। आगे भी कुछ खास नहीं है बट
ठीक है ऐसे ही है। देखिए पहाड़ी है यहाँ है, फिर समुद्र, सो रियली नाइस। सब इन सीढ़ियों से जाता हूँ नीचे, देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे पहुँचने में। तो ये दोस्तों जो जाते हुए मैंने रेस्टोरेंट्स दिखाए थे वहीं से मैं आ गया हूँ सीढ़ियों से चल के। ये ऊपर की सीढ़ियाँ ये, और सामने वो पोर्ट। तो दोस्तों अभी एंट्रेंस के पास आ गया हूँ मैं थोड़ा इस साइड की सिटी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है, मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले ही मैं पहुँच गया और अभी भी मेरे पास 20-25 मिनट हैं। तो ये कि यहाँ सुपर मार्केट है छोटी सी, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ कहने की बात नहीं, इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। सो देखिए ये सामने समुद्र, और ये पूरा इनका रेप्लिका है। ये जो सामने स्टैचू से दिख रहे हैं, ओल्ड टाउन का पूरा स्टैचू नक्शा बनाया उन्होंने पत्थरों से भी, किस तरह का दिख रहा है। मैं देखता हूँ अगर जाते हुए पिक्चर लेके मैं साइड में ऊपर लगा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों वो मेरा शिप, और ये बीच है यहाँ पे, बट यहाँ सैंडी बीच नहीं है, यहाँ भी रॉकी बीच है, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ से होते हैं उस तरह, जिस तरह एक मेरी फ्रांस की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से देखिए कितना ही ब्यूटीफुल व्यू, और जो टावर क्रेन्स दिख रही हैं वहाँ मेसी का घर बन रहा है। ये देखिए कितना माइंड ब्लोइंग व्यू आ रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। तो दोस्तों इट्स अ राइट टाइम टू रैप अप दिस वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये मेरी दुब्रोनिक क्रोएशिया की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो आने वाली कुछ और वीडियो क्रोएशिया से आएंगी, पता नहीं ये पहले आएगी या बाकी और आएंगी, बट ज़रूर आएंगी। सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ऐसी मैं और वीडियो लाता रहूँगा, बहुत मेहनत लगती है यार, तो थोड़ा सपोर्ट करिए। और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलूँगा।